नमस्कार, इनविजन न्यूज की खास पेशकश चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। दर्शकों, कुछ ही दिनों में जो है लोकसभा के चुनाव लगने वाले हैं, जो कि देश की 30 करोड़ जनता का जो है त्योहार है। तो दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य में किस प्रकार की स्थिति रहेगी, इन बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जयंत दीक्षित ने, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और काफी जानकार है राज्य की सियासत के विषय में। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य की सियासत में काफी जो है उथल पुथल देखने को मिल रही है, काफी समीकरण चेंज हो चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की स्थिति रहेगी कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ बाकी लघु दीर्घ दलों की? वैसे संपूर्ण भारत में, महाराष्ट्र राज्य में सभी सीटों पर जिस प्रकार से जितने पार्टियां बनी है और जैसे गठबंधन बने हैं, कुछ निर्णय पे आना बड़ा कठिन बात है। महाआघाड़ी और महायुति, इन दोनों की जो शरीयत है, उस शरीयत ऐसी चल रही है जिसमें 40-60 का ही अंतर है, या उतना ही समझिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही पार्टी, माने शिवसेना कहिए तो एक विपक्ष में भी है और सत्ता में भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस विपक्ष में भी है और सत्ता में भी है, ऐसा बहुत कम जगह होता है राजनीति में। तो यहाँ इसका विश्लेषण करना और कौन जीत कर आएगा इसका कयास लगाना, यह बहुत कठिन कार्य है। देखा जाए तो ये चुनावी महासंग्राम कम और चुनावी महाभारत ज्यादा हो चुका है, जहाँ की अपने ही अपनों से लड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ कहना है जयंता जी का? साथ ही साथ दूसरा सवाल सवालों के पिटारे से आता है कि जिस प्रकार से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं का स्तर कम किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष भी अटकले लगाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें अब मध्य प्रदेश की सरकार से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ बात की जाए नितिन गडकरी की, तो संसदीय बोर्ड से जो है उन्हें बाहर रखा गया है, साथ ही साथ दूसरी लिस्ट में उनका नाम आया है। तो कहीं ना कहीं सियासी अटकले लगाई जा रही है कि जो है भाजपा में बड़े नेताओं का स्तर कम किया जा रहा है, तो इसका क्या असर इस लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्या लगता है आपको? ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो ज्येष्ठ नेता है उनको कहीं कम आंक रहे हैं। भारत में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 2400 घंटा इस मूड में रहती है, राजनीति में रहती है, और वहां पे बदल करना, माने जो ज्येष्ठ है उनको रिटायर करके नए लोगों को लाना, यह प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तीव्र गति से कर रहे हैं, बस यही नॉर्मल प्रोसेस है। पर आज तक के हमारी प्रैक्टिस ऐसी रही है कि हमने 80 साल का 90 साल का भी नेता देखा है, इसलिए अभी हमको देखते हुए अच्छा लगता नहीं है। बाकी संपूर्ण प्रोसेस जो है वो बराबर आने वाले आते हैं, पुराने वाले जाते हैं, ये तो सृष्टि का नियम है। मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको, क्योंकि सभी नेताओं का है एक अलग कोटा रहता है, उनको चाहने वालों का अलग कोटा रहता है, तो क्या भाजपा को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? भाजपा को ऐसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नेता का साधारणतः 10-20% का खुद का एक जनाधार होता है, खुद का जनाधार होता है, उस खुद की इमेज का। वो तो जो व्यक्ति आता है और जाता है, वो दोनों में कितना अंतर होता है 10-20% का, वो कवर होता है, तो ही वहां वो नया आदमी को हम माने कोई भी पार्टी देती है। देखा गया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एक मोदी परिवार के नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इफेक्टिव रहेगा बीजेपी की सियासत में, या बोल सकते पूरे देश की सियासत में, किस प्रकार का इफेक्ट कर गए? एकदम सही प्रश्न आपने पूछा, और सभी भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता है और सभी लोगों में यह प्रश्न आता है कि ये मोदी सरकार कहते हैं, भाजपा सरकार क्यों नहीं कहते? पर एक चीज को आप जानिएगा कि जब तक के सत्ता में आते नहीं है, तब तक हम हमारी जो उद्देश्य है उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो सत्ता में आना एक आवश्यक होता है। अब भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेक्टेशन जो है उसका, वहां तक लोगों में जाना और उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना, उसको समय लगेगा। परंतु मोदी जी की जो कार्यशैली है, तो मोदी जी के जो फैंस है उनको कन्वर्ट करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ,
ये आवश्यक है, इसलिए मोदी सरकार कहा जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित है। इस एजेंडे का काफी बार कांग्रेस ने भी विरोध किया है, क्योंकि देखा गया है कि जिला परिषद में एक बैनर लगा था, नागपुर की बात है, जहां की केंद्र सरकार ना लिखते हुए वहां मोदी सरकार लिखा था, जिस पर कि कुणाल राउत ने एक आंदोलन भी किया, साथ ही साथ जो है मोदी नाम हटाकर वहां भारत लिखा गया था, भारत सरकार। तो आपको क्या लगता है, ये जो पूरा परिपेक्ष चल रहा है, तो इसका कुछ इफेक्ट कांग्रेस को कुछ फायदा होगा इसका? नहीं नहीं कांग्रेस इस परिस्थिति में है ही नहीं कि कोई फायदा उठाए, कहीं पर भी हो वो इस परिस्थिति में नहीं है कि उठाए। दूसरी बात ऐसी कि मोदी जी का नाम इसलिए यूज करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि उनके चाहने वाले जो है, वैसे बहुत एक आध बार ऐसा होता है कि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहते, पर मोदी जी के चाहने वाले हैं, तो उनका वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो और हो रहा है, हमने देखा है जो भी चुनाव इतने में हुए उसलिए, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, कांग्रेस उसको उठा पाने में असमर्थ है। तो इसी से जुड़ा सवाल पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लोकसभा चुनाव में अपना जो है अस्तित्व टिका पाएगी कांग्रेस, या उस मुद्दे पर जो है लोकसभा व चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस का जनाधार है, पर उनको जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर नेता चाहिए उस प्रकार का नेता उनके पास में नहीं है। उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और उनके अलावा भी बहुत से नेता हैं जो उस लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, तो नेता की आवश्यकता है, नहीं तो जनता भी है और कार्यकर्ता भी कांग्रेस के पास में है। उसका असर कितना होगा और कितना कर पाते हैं, वो जो रणनीति होती है चुनाव की रणनीति, उसके ऊपर में वो डिपेंड होता है। देश में जो है सीए कानून लागू हुआ है, तो इसके बाद क्या लगता है किस प्रकार का समीकरण बदलेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा इस पूरे सियासत में, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, क्या कहना चाहेंगे? सीए के बारे में साधारणतः जो सीमावर्ती प्रदेश है वहां पे यह प्रश्न है, अपने यहां वैसा कोई महाराष्ट्र का अगर उल्लेख किया जाए तो बहुत कम लोग है, बाकी यह आसाम, उसके बाद हम बांग्लादेश के समीप जो है माने पश्चिम बंगाल, वहां पे यह प्रश्न है, तो वहां पे भी जिनको मिला नहीं है अब उसको थोड़े अधिक प्रमाण में ज्यादा से ज्यादा 2-3% का कोई फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, ना बहुत ज्यादा उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की ओर आते हैं, तो देखा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर अपना दावा कर रही है, लेकिन देखा गया है कि जितनी कुछ बची कुची राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी उतना जो है उतना प्रभाव नहीं रहा है, लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रही है। रामटेक लोकसभा से भी वह कहीं ना कहीं कथित तौर पर बोला जा रहा है कि रामटेक से भी वो सीट जो है सीट की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यदि शरद पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यहाँ रामटेक लोकसभा की सीट मिलती है, तो किस प्रकार की स्थिति महाविकास आघाड़ी की उस मतदार संघ में रहेगी? मतदार संघ कोई भी रहे, कोई भी पार्टी अपने साथियों के साथ में जब चुनाव लड़ती है पर अपना अस्तित्व गंवाना नहीं चाहती, तो कोई भी पार्टी अपनी जो जगह है उसको छोड़ेगी नहीं। वहां पे कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार है, विपक्ष में थी, 2-3 बार सांसद कांग्रेस के वहां रहे, तो ऐसे में कांग्रेस वह अपनी सीट राष्ट्रवादी को देगी, ऐसा ना राष्ट्रवादी के पास में नेतृत्व है वहां पर, ना ऐसा कुछ विचार मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी। अब आते हैं रामटेक लोकसभा के ही विषय में, अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है कि जो कि अभी तक के सांसद थे, अभी तक जो शिवसेना के सांसद थे कृपाल तुमाने, उनको कहीं तो भी साइड में रखने की बात की जा रही है, साथ ही साथ राजू पारवे को यहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी शायद दे सकती है, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है, तो उस समीकरण में जिस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे, इस समीकरण का क्या असर पड़ेगा रामटेक लोकसभा मतदार संघ? जितना मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जानता हूं, मुझे लगता नहीं है कि राजू पारवे भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसको उनको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी वहां पे अगर देना चाहते हैं तो जो राखीव क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी के पास में भी व्यक्ति है, नेता है,
इसलिए उनको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं बाहर से किसी को लाएंगे। साथ ही इस बात को अलग रखते हैं कि किसको उम्मीदवारी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर ग्रामीण द्वारा भाजपा को सीट दी जाए महायुति से, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका क्या खासा असर पहुंचेगा यदि शिंदे गुट से ही लड़ते हैं, शिंदे गुट शिवसेना से ही उम्मीदवार कोई और होता है या यही होते हैं, क्या पूरा फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है भाजपा का उम्मीदवार यदि यहां से दिया जाता है? भाजपा वो सीट मांग रही है वहां के नेता जो है, क्योंकि भाजपा का उसी क्षेत्र में जनादर अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी में भी अरविंद गजभिये जैसे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ सकते और जीत सकते हैं। परंतु कोअलिशन में वह शिंदे गुट की तरफ जाएगा और विद्यमान सांसद जो है, हालांकि वो जीतकर आ सकते हैं इसकी बड़ी कम ये उम्मीद है, पर शिंदे एकनाथ जी शिंदे इस वहां की सीट को छोड़ेंगे नहीं और वह शिवसेना शिंदेगढ़ ही वहां पे चुनाव लड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सियासी परिपेक्ष्य में अटकलें चल रही है कि महादेव जानकर जो धनगर समाज के नेता है शरद पवार से मिलने गए और उन्होंने जो है लोकसभा सीट की मांग की, ऐसा भी कथित तौर पर सूत्रों के अनुसार आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या परिस्थिति बनेगी वहां की? कौन से चुनाव क्षेत्र से मांग रहे हो? माड़ा। माड़ा से उनको टिकट मिलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है और विधानसभा के लिए कोई विचार हो सकता है उनका, पर लोकसभा के लिए माड़ा के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस उनकी तरफ देगी ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि माड़ा में माननीय शरद पवार जी का खुद का एक अच्छा प्रभाव है, उनका वो क्षेत्र है, तो वहां से जानकर जी को टिकट मिलेगा मुझे ऐसा लगता नहीं। बात आते हैं राज्य की सियासत पर, तो प्रकाश आंबेडकर ने अभी तक अपनी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं की है, वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ भी प्रकार की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। यदि वो महाविकास आघाड़ी के साथ जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और नहीं जाते स्वतंत्र लड़ते हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या लगता है आपको? सर, राजनीति बार्गेनिंग का खेल है और बार्गेनिंग में आंबेडकर जो है उसके लिए वहां की उनकी जो जगह है उनके लिए तो मार्केटिंग करेंगे ही करेंगे और कर रहे हैं, उसका लाभ कुछ क्षेत्रों में आघाड़ी को मिलेगा और आघाड़ी उसका सहयोग भी लेंगी। अब वो कितने जगह उनको देते हैं ये उनके उसके ऊपर में डिपेंड है। दर्शकों, ये था पूरा विश्लेषण, राज्य के विश्लेषण, महाराष्ट्र में किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की स्थिति रहेगी, किस प्रकार से परिस्थिति रहेगी, किसकी मार्केटिंग और किसका प्रचार जो है यह कारगर रहेगा और किस प्रकार की स्थिति और नए बदलते समीकरण में इस महाभारत में बोल सकते हैं, इस महाभारत में जिस प्रकार से अपने ही अपने से लड़ रहे हैं क्या प्रभाव रहेगा, पूरी जो बात पर इस वक्त हमने चर्चा की। मैं था आपके साथ मनीष टेमरे और हमारे साथ थे जयंत दीक्षित, जिन्होंने की पूरा विश्लेषण इस वक्त हमारे साथ दिया है। तो दर्शकों, देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। हर अपडेट के लिए देखते रहे एनबीसीएन न्यूज़। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।